टेम्परेचर जा चुका है -2 या 3 तक, पता नहीं, और ऐसे कप कपाती हुई एकदम ठंडी सी है। आई जस्ट होप मेरी बैटरी ड्रेन ना हो जाए। बाकी आज मॉल रोड तो ऐसा एक्सप्लोर करूंगा ना मैं कि मतलब किसी ने ऐसा सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम चो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई फाइनली रीच्ड एट मनाली। इट इज़ 4 PM इन द इवनिंग और यहाँ पे मैंने सोचा था कि ऐसे उतर के मैं सीधा हाथ में बर्फ लूँगा एंड उससे मैं व्लॉग शुरू करूँगा, बट यहाँ पे स्नोफॉल है ही नहीं, बल्कि स्नोफॉल मेरे पीछे हो रही है एंड वो थोड़ा हाइट पे अराउंड 10-20 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। तो वहाँ पे अगर जाने मिला तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला और यहाँ पे स्नोफॉल हो गया तो वो सेम सीन मैं यहाँ पे कर पाऊँगा, बट वो करना तो है। अभी 2 दिन हूँ मनाली में, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी तो हम होटल में आए, अभी चेक इन करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, मैं आपको मिलता हूँ अभी सीधा रूम में विद द रूम टूर। तो ये है व्यू, ये है खाना, ये है भाई लोग, भाई पहुंच गए मनाली। उठ जा। दैट इज आवर रूम, यहाँ पे हमारा वर्क टेबल, वहाँ पे सब सामान वगैरह रखा है, वहाँ पे और एक वर्क टेबल है, ये रहा अपना बेड। ओह सिद्धेश, हाय गाइस, यहाँ पे भी। तो ये हमारी बाथरूम, क्या बात है, एंड दिस इज मी। पूरे बाल बिगड़ गए मेरे बीनी पहनने की वजह से, बट नेवर माइंड, दैट इज द व्यू, नॉट वेरी गुड बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो अभी मैं और सिद्धेश बाहर निकले टू डू रेकी फॉर आर फोटोशूट टू नाइट। हम क्या करने वाले आज रात को, बॉन फायर शूट और एस्ट्रो फोटोग्राफी रात को 2 बजे हम करने का सोच रहे। सो फॉर दैट वी माइट कम एट दिस लोकेशन, क्योंकि पीछे का जो पूरा जो व्यू है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इट विल बी लाइक कैप्चरिंग मिल्की वे। क्या से व्यू इतना ज्यादा अच्छा है, तो यहीं पे आएंगे अपने रूम से, व्यू अच्छा नहीं है। मोस्टली इस एरिया में हमारा बॉनफायर होगा और वहाँ पे ये नज़ारा, ये हमारी होटल। मेरे को है ना एक्चुअली है ना पूरा कोई मिल गया करके जो मूवी है ना उसका फील आ रहा है। क्या बोलते हैं सिद्धेश, अभी अपने को खाली एक जादू का जरूरत है, पूरा कोई मिल गया बन जाएगा हम लोग। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, यहाँ पे इट्स 1 degree राइट नाउ, आई डोंट नो 0 है कि 1 है, बट इट एक्चुअली फील्स लाइक 7-8 degrees। तो आगरा में ज़्यादा ठंडी थी कम्पेयर टू मनाली एज ऑफ नाउ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को ये चीज़। सो वॉट कैन बी बेटर फॉर अ व्लॉगर टू कम एट एन अननोन प्लेस और यहाँ पर आके एकदम ऐसे अननोनली एकदम स्ट्रेंजर की तरह पूरा घूमने का ठंडी में। अभी ठंडी शुरू हो गई है तो इससे अच्छा क्या होगा एक व्लॉगर के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन हंट करने के लिए और यहाँ पर इतनी सारी अच्छी लोकेशन है कि मन कर रहा है बस शूट ही करते रहूँ, मैं पूरा दिन रात बस शूट ही करूँ। After the time lapse का shoot, we came in the room, I went off to sleep, बाद में नहाया वगैरह मैंने, and now we are heading towards Manali Mall Road, that is very famous in Manali, and सब ready है। One more thing that I loved about this hotel वो ये है कि यहाँ भी देखो आप mirror है, उसके के सामने एक mirror है, यहाँ पर भी एक mirror है और यहाँ भी एक mirror है। आज हुसैन मेरा model है, आज हुसैन का मैं photo shoot करूँगा। Come on, go हुसैन। फोटोशूट कर, वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं।
ऑल्सो यस, अब जाके ना मेरे को प्रॉपर मनाली वाली फीलिंग आ रही है। टेम्परेचर जा चुका है -2 या 3 तक, पता नहीं, और ऐसे कपकपाती हुई एकदम ठंडी सी है। आई जस्ट होप मेरी बैटरी ड्रेन ना हो जाए। बाकी आज मॉल रोड तो ऐसा एक्सप्लोर करूँगा ना मैं कि मतलब किसी ने ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया हो भाई, पक्का वाला। सो वी आर एट मनाली मॉल रोड एंड अभी सबसे पहले तो ना हम खाना वगैरह खाएंगे थोड़ा, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हुसैन खा रहा है मोमोज, राज गए गोलगप्पे खाने, और मेरे को मोमोज से ज़्यादा ना एक्चुअली गोलगप्पे ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी जाता हूँ और पहले तो गोलगप्पे खाता हूँ। और आप इन्जॉय करो ये बी रोल्स ऑफ माई गोलगप्पाज इन मनाली। This place ना actually is like a mixture of Khau Gali, Kolaba Causeway and Fashion Street. और यहाँ पे हाउसी भी खेला जा रहा है मेरे जस्ट पीछे। क्या बात है बॉस, क्या बात है। हुसैन पहले तो बता कैसा लग रहा है गुलाब जामुन, फील आ रही है खा के? 50 रुपए आगे भाई। गुलाब जामुन मीठा ही होता है ना? बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। पहले चंडीगढ़ का सेक्टर 17 और आज मनाली का मॉल रोड। सच्ची बता रहा हूँ, मेरा जो ये ट्रिप है ना, एक से एकदम लिट अप ट्रिप है ना। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब जगह लाइटिंग्स है, इतने सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। -3 के टेम्परेचर में ना सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ अभी हुई है वो ये है, क्या बोलते हैं सिद्धेश, रिलीफ मिला ना बहुत, हाथों को पूरा ऐसा नर्वस हो गए थे। बेस्ट है भाई, ये तो चाहिए -3 में ना, ये चाहिए। हमने रूम में भी एक हीटर लगा रखा है बट वो चल ही नहीं रहा है बराबर से, बट इधर आके ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंड हुआ तो क्या हुआ बॉस, यहाँ पे हर 10-12 मीटर के बाद है ना ये हमें दिख रहा है। ये तीसरे की चौथा ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के अंदर ये चौथा हमें ऐसा सेकने के लिए मिला है, और एडिक्शन लग रही भाई। सो राइट नाउ मैं और सिद्धेश बैठे हैं यहाँ पे शाने पंजाब में, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव कड़ी कचौड़ी। अब मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है बट साउंड करने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है मेरे को, तो मैंने सोचा चलो लेट्स हैव दिस। ऑल्दो मेरा होटल में है डिनर बट थोड़ा खाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ तक आके अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बनता है बस। कड़ी कचौड़ी क्या चीज़ है? कड़ी खिचड़ी है। कड़ी कचौड़ी बाहर लिखा है, कड़ी खिचड़ी है वो लिखने में मिस्टेक हो गई है। खिचड़ी है तो कचौड़ी में कौन सा है? कचौड़ी में राज कचौड़ी है। ठीक है, एक राज कचौड़ी कर दो। मैं शूट कर रहा हूँ अपने कैमरा से, बट ये जो फुटेज है इज बेसिकली ऑफ दिस कैमरा। बेसिकली दो कैमरा है बट दोनों का फुटेज आ रहा है इसमें, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। तो बस अभी यहाँ पे ऐसा सीन है कि अगर मैं मॉल रोड पूरा हम एक्सप्लोर करते बैठे तो ये कल सुबह तक हो जाएगा, एंड इतना टाइम है नहीं हमारे पास। सो नाउ वील बी गोइंग एट द होटल हैविंग अ डिनर, एंड आफ्टर दैट बॉन फायर में फुल मस्ती वगैरह करेंगे, और रात को बस क्या करना है, एस्ट्रो फोटोग्राफी। For tomorrow night also we have to stay in this hotel only, and honestly speaking I am not feeling safe over here right now. Exactly. Because aaj ye scene hai kal wapas ho sakta hai. Jiske sath hoega wo. We have very heavy equipments with us, I can't take any. That's it.